नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स. डियर, आज हम डी लेटर से स्टार्ट होने वाले टर्म्स का मीनिंग देखने जा रहे हैं. तो यहाँ सबसे पहले जो आज का टर्म है वो है डैमेजेस. डैमेजेस वर्ड डियर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी सुना होगा, आपने लॉ ऑफ टॉर्ट में भी देखा होगा. तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर केस डालती है और अगर दूसरी पार्टी को दोषी पाया जाता है तो जो दोषी पार्टी है वो अग्रीव्ड पार्टी को जुर्माना देती है, कंपनसेशन देती है, क्योंकि उस पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी कि अपने प्रॉमिस को तोड़ा है. तो सिविल लिटिगेशन कोई भी होता है, जो दोषी पार्टी है वो अग्रीव्ड पार्टी को कंपनसेशन देती है, उस कंपनसेशन को हम डैमेजेस बोलते हैं. सेकेंड आप यहाँ पे देख रहे हैं डे ऑर्डर. डे ऑर्डर एक ऑर्डर होता है जो कि एक पर्टिकुलर डे के लिए जो है वो वैलिड रहता है. ऐसा स्टॉक मार्केट में होता है. स्टॉक मार्केट में डे ऑर्डर दिया जाता है एक पर्टिकुलर प्राइस पे. सपोज आपने ऑर्डर दिया कि ये शेयर खरीदने हैं तो वो ऑर्डर फुल डे के लिए वैलिड रहेगा और वो ऑर्डर तभी किया जा सकेगा जब वो प्राइस से मैच करेगा. अगर वो मैच नहीं करता है तो ऑटोमेटिकली वो जो ऑर्डर है वो डे के एंड में कैंसिल हो जाता है. थर्ड टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं डिबेंचर्स. और इसके नीचे भी आप यहाँ पर सिक्स्थ टर्म में भी आप देखिए यहाँ पे देख रहे हैं डेट फाइनेंसिंग. तो डियर, अगर कंपनी को लोन के थ्रू, डेट के थ्रू, ऋण के थ्रू पैसा जो है उठाना होता है, कंपनी को अगर डेट के थ्रू जो है पैसा मार्केट से बोरो करना होता है तो कंपनी जो है डेट के थ्रू पैसा जो है वो बोरो कर सकती है, वो मार्केट से लोन ले सकती है. तो डेट फाइनेंसिंग का एक फॉर्म होता है डिबेंचर. जैसे शेयर्स होता है वैसे ही डिबेंचर्स होता है, राइट. डिबेंचर्स भी मार्केट में सर्कुलेट होता है. डिबेंचर का एक रिडम्पशन पीरियड होता है, रिडीमेबल डिबेंचर्स. आपने वैसे कॉमर्स वालों ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, यहाँ पे एक शब्द आता है रिडीमेबल. रिडीमेबल डिबेंचर्स आप उसको कहते हैं जिसके डिबेंचर्स के पेमेंट का एक टाइम पीरियड होता है. सपोज कंपनी में, कंपनी ने 10 इयर्स के लाइफ के डिबेंचर्स इशू किए या 5 इयर्स के लाइफ के डिबेंचर्स इशू किए, इसका मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड कंपनी जो है वो पैसा जो है वापस कर देगी. जब वो पीरियड कंप्लीट हो जाएगा तो कंपनी जो है डिबेंचर्स का प्रिंसिपल अमाउंट जो उसने लोन के तौर पर लिया है वो पैसा वापस कर देगी. और जो लोन का ड्यूरेशन है, डिबेंचर का ड्यूरेशन है, उस पे कंपनी जो है डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करती है. इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हमेशा डिबेंचर की फेस वैल्यू पे होता है और कंपनी उस पे इंटरेस्ट पे करती है. इवन गवर्नमेंट भी डिबेंचर्स के तरीके की सिक्योरिटीज़ निकालती है. अगर गवर्नमेंट डिबेंचर के तरीके की सिक्योरिटी निकालती है उसको जनरली हम बॉन्ड्स जो है बोलते हैं. तो आपको आई होप डिबेंचर समझ में आ गया होगा. जैसे शेयर्स होते हैं एक स्मॉल अमाउंट के, ऐसे ही कंपनी जो है लोगों से लोन लेने के लिए डिबेंचर्स जो है लोगों को इशू करती है. शेयर्स के बदले कंपनी जो है, कंपनी की ओनरशिप जो है लोगों को प्रोवाइड करती है. और डिबेंचर्स जो है, डिबेंचर्स जो भी लोग खरीदते हैं वो कंपनी के लेंडर्स होते, कंपनी को उन्होंने लोन प्रोवाइड किया होता है. नेक्स्ट हम आप देख रहे हैं डेबिट नोट. डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग अलग से मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है, उसमें मैंने आपको विद एग्जांपल विद जर्नल एंट्री डेबिट नोट और क्रेडिट नोट ऑलरेडी समझाया हुआ है. डेट एंड इक्विटी की हम बात करें तो जैसा कि अभी मैंने क्या बोला, इक्विटी शेयर्स अगर आप किसी कंपनी के बाई करते हैं तो इक्विटी ओनरशिप दिलाता है. डेट यानी डिबेंचर्स अगर आप किसी कंपनी के बाई करते हैं तो इसका मतलब आप उस कंपनी को लोन दे रहे हैं, आप उस कंपनी के लेंडर्स हैं. डेट और इक्विटी दोनों ही बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड दिखाते हैं. और ये देखा जाए तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं कंपनी के फाइनेंस के. कंपनी के पास पैसा कहाँ से आता है, कंपनी के पास कंपनी चलाने के लिए जो पैसा आता है वो डेट एंड इक्विटी के थ्रू आता है, राइट. तो डेट और इक्विटी आपको हमेशा लायबिलिटी के साइड जो है देखने को मिलेगा. और दूसरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी और एसेट जो है वो इक्वल
होते हैं। आगे हम देख रहे हैं डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में एक इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, डिबेंचर्स की हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा अगर कंपनी चाहे तो बैंक से लॉन्ग टर्म लोन ले सकती है, बिजनेस क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन या मर्चेंट कैश एडवांस या बहुत सारे तरीके होते हैं। इनवॉइस फाइनेंसिंग भी होती है जहाँ पे इनवॉइस दिखाकर माल खरीदने जा रहे हैं क्रेडिट पे, तो इनवॉइस के बेसिस पे जो है फाइनेंसिंग जो है मिल जाती है, यानी कि लोन जो है आपको मार्केट से अवेलेबल हो जाता है। तो ये बहुत सारे जो है लोन के फॉर्म हैं अलग अलग, जहाँ पे लोन जो है बिजनेस को मिलता है। शॉर्ट टर्म लोन भी होता है, लॉन्ग टर्म लोन भी होता है। बैंक ओडी की हम बात करें, वो बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करें, वो आपका शॉर्ट टर्म लोन है। क्रेडिट कार्ड की बात करें, शॉर्ट टर्म लोन है, राइट। इनवॉइस फाइनेंसिंग की बात करें, शॉर्ट टर्म लोन है। डिबेंचर्स की बात करें, लॉन्ग टर्म लोन की बात करें, तो वो लॉन्ग टर्म लोन में जाता है। सेवन टर्म आप देख रहे हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन एक अनसोर्न का मतलब होता है एक शपथ पत्र आप कह सकते हैं। एन अनसोर्न स्टेटमेंट मतलब एक शपथ पत्र है जिसमें आपने जो लिखा होता है, जो भी फैक्ट्स आपने लिखे होते हैं उसके बारे में आप जो है शपथ ले रहे होते हैं, डिक्लेरेशन दे रहे होते हैं कि मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो मैं सही बता रहा हूँ। आप लॉ में इसे कई जगह पढ़ेंगे, इवन कंपनी लॉ में डायरेक्टर बनने के लिए जो है जो पर्सन डायरेक्टर बनने जा रहा है उसको भी डिक्लेरेशन देना होता है कि मैं डायरेक्टर बनने के लिए डिस्क्वालिफाई नहीं हूँ, राइट। तो उसको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं कि उसको डिक्लेरेशन देना है। नेक्स्ट जो है टर्म वो है डीड। डीड क्या होता है डियर? अब आपको डियर डीड का मतलब मालूम होना चाहिए। अब देखिए, फॉर एग्जांपल एक प्लेन पेपर है, तो एक प्लेन पेपर केवल एक पेपर का पीस होता है। प्लेन पेपर की बात करें तो केवल एक प्लेन पेपर पीस होता है, लेकिन जैसे ही आप उसमें कुछ लिख देते हैं वो डॉक्यूमेंट बन जाता है। आपने एमएस वर्ड में भी देखा होगा .doc के नाम से फाइल सेव होती है, तो आप कुछ लिख देते हैं तो डॉक्यूमेंट बन जाता है। उस पर जब आप साइन कर देते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, साइन कर देते हैं तो इंस्ट्रूमेंट बन जाता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। जैसे आप चेक की बात करें तो चेक पर हम साइन करते हैं तो वो चेक भी क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंट कहलाता है। साइन कर दिया, वो इंस्ट्रूमेंट बन गया। अब उस पर और हमें उसको सिक्योर करना है तो हम उसको स्टैम्प पेपर पे ही चीज़ें लिखते हैं, स्टैम्प लगाते हैं, राइट। स्टैम्प लगाया और उसकी सिक्योरिटी करवानी है तो हम उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो इस तरीके का जो लीगल डॉक्यूमेंट, मैंने कहा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्यों है? क्योंकि उस पर लिखा गया। इंस्ट्रूमेंट क्यों बन गया? क्योंकि उस पर साइन किया गया, ठीक है। वो सील्ड है, उसको उसकी रजिस्ट्री भी आपने करवा ली, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट हो गया, राइट। जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को डिलीवर करता है वो डीड का काम करता है। कभी भी आप प्रॉपर्टी खरीदने बेचने जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ सेल डीड तैयार होती है, क्योंकि आप देखते हैं कोर्ट और कचहरी का मैक्सिमम जो काम है वो कागज पे ही होता है, पेपर्स पे ही होता है, और वहाँ प्रूफ के लिए बहुत सारे पेपर्स में ही डीड वगैरह जो है बनवाई जाती है। तो यहाँ पे आप लॉ में डीड टर्म बहुत सुनेंगे। चलिए नेक्स्ट टर्म हम अपना देखते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा है डिफॉल्ट। डिफॉल्ट की हम बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई प्लैंटिफ आपको पता है किसे बोलते हैं? प्लैंटिफ जो कि केस डाल रहा होता है, जो भी कोई सिविल केस डाल रहा होता है। सिविल और क्रिमिनल केस क्या होता है डियर? ये आप लॉ ऑफ टॉर्ट में देखेंगे। सिविल केस डाल रहा होता है जो भी पार्टी, उसको हम प्लैंटिफ कहते हैं। तो प्लैंटिफ ने अगर केस डाला है और दूसरी पार्टी जिसके ऊपर केस डाला जाएगा उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं। डिफेंडेंट आपका नेक्स्ट टर्म है। जिस भी पर्सन के ऊपर केस डाला जाता है उसको हम डिफेंडेंट बोलते हैं। या क्रिमिनल केस में स्टेट जिसके ऊपर भी केस बनाती है, जिस भी पर्सन ने गलत काम किया है, मर्डर किया है, चोरी किया है, वो पार्टी क्या है? वो डिफेंडेंट कहलाती है, राइट। तो डिफेंडेंट को उस जो प्लैंटिफ ने केस डाला है, नोटिस भेजी है, उसके रिगार्डिंग जो है रिस्पॉन्ड देना होता है। डिफेंडेंट को हम रिस्पॉन्डेंट भी कह सकते हैं। और अगर उसने उस नोटिस का जवाब नहीं दिया होता है तो कहा जाता है कि उसने डिफॉल्ट किया है, राइट। तो अगर वो
अपेरेंस या मतलब आंसर नहीं देता है नोटिस का, तो बोला जाएगा कि उसने डिफ़ॉल्ट किया है. वैसे डिफ़ॉल्ट वर्ड बहुत जगह यूज़ होता है. डिफ़ॉल्ट वर्ड अगर मैं बात करूँ, किसी ने लोन का पेमेंट टाइम पे नहीं किया गया किया है, तो उसको भी डिफ़ॉल्टर ही बोला जाएगा. नेक्स्ट आप टर्म देख रहे हैं डिफेंडेंट. डिफेंडेंट अभी मैंने आपको बता दिया कि सिविल केसेस पे अगर जो प्लैंटिफ है, प्लैंटिफ मतलब केस डालने वाला, दूसरे बंदे के ऊपर जो भी केस डालता है, जिस भी बंदे के ऊपर केस डालता है उसको डिफेंडेंट बोलते हैं या रिस्पोंडेंट बोलते हैं. क्रिमिनल केस में जो अपराधी होता है, जिसको अरेस्ट किया जाता है, वो जिसके ऊपर क्राइम का चार्ज लगाया जा रहा है, वो जो है डिफेंडेंट कहलाता है. नेक्स्ट टर्म 11th और 12th डीमेटलाइजेशन और डिपॉजिटरी की बात कर रहे हैं. डियर इसके लिए ऑलरेडी मैंने एक अलग से पूरा डायग्राम फॉर्म में जो है वीडियो बनाया हुआ है. अब वहाँ पे मैंने डीमेटलाइजेशन, रीमेटलाइजेशन, डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, ये सारे टर्म्स जो हैं मैंने आपको ऑलरेडी वहाँ पर बताए हुए हैं. आई होप आप वो वीडियो देख लेंगे. नेक्स्ट अगर मैं टर्म की बात करूँ तो नेक्स्ट टर्म हमारा है डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन मैंने आपको एमोर्टाइजेशन के टाइम भी बताया था, मैंने वहाँ तीन टर्म का जिक्र किया था, एक डेप्रिसिएशन, एक एमोर्टाइजेशन और एक डिप्लीशन. तो मैंने आपको बताया था अगर इनटेंजिबल एसेट को जो है धीरे धीरे आप राइट ऑफ करते हैं, इंटेंजिबल एसेट जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया या और कोई लॉस हो गया, कॉमर्स की बात करें तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अगर होता है, तो उन सब को हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं. इंटेंजिबल लॉसेज होते हैं, वो एक तरीके के फिक्टिशियस एसेट होते हैं जिनको बेचा नहीं जा सकता है. इसके अलावा जो फिक्स एसेट होते हैं, जैसे कि आपका मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, राइट, तो जो जिनको आप धीरे धीरे टाइम के साथ यूज़ करेंगे, जिसमें तोड़ फोड़ होती है, वियर एंड टीयर होती है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, टाइम बीतने के साथ साथ उनकी वैल्यू कम होती जाती है, तो उनकी वैल्यू को हम धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं. जो राइट ऑफ वाला अमाउंट है, जो धीरे धीरे हम ख़त्म करते हैं जिस अमाउंट को, उसको हम, उस अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं. राइट, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा. और अगर कोई नेचुरल एसेट है जैसे माइंस हो गया, उसकी वैल्यू को हम राइट ऑफ करते हैं, तो वहाँ पे हम डिप्लीशन टर्म जो है अपने कॉमर्स में यूज़ करते हैं. आई होप आपको इतने टर्म्स समझ में आ गए होंगे. इसके बाद वाले टर्म्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. थैंक यू डियर.